जय माता दी। दोस्तों, मैं रितु शुक्ला आपको अपनी रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं इन बची हुई रोटियों की इतनी टेस्टी चटपटे नाश्ता रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि आप भी बोलेंगे कि कितनी गजब की रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। इसके लिए पहले हम इसका बैटर तैयार करते हैं। एक घोल बनाना है हमें। इसमें मैंने आधे कटोरी बेसन डाला है। अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी। मैंने एक चौथाई चम्मच हल्दी डाली है। इसमें नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे दोस्तों। ये अजवाइन है, इसे हमने आधे चम्मच डाला है। ये कसूरी मेथी है, अगर आपके पास हो तो डालिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। ये मैंने करी पत्ता डाला है दोस्तों इसमें। ये देखिए दोस्तों, एक पिंच इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, वो जो जिस केक बनाने के समय यूज करते हैं हम। इस अब हम इसमें पानी डाल के अच्छी तरीके से फेंटते इसका घोल तैयार करेंगे ताकि इसमें कोई भी गाँठे ना रहे। ये देखिए दोस्तों, इन रोटियों को हमें एक कैची की सहायता से अच्छी तरीके से पीसेस में काटना है। आप चाहे जैसा भी पीस रख सकते हैं, आपका मन। ये देखिए, मैंने इस तरीके से कट किया इसे। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी रेसिपी बनकर तैयार हुई थी दोस्तों। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और कोई बता भी नहीं पाएगा कि इसे आपने रोटियों के साथ बनाया है। और इसे चाय के साथ, कॉफी के साथ, किसी चीज के साथ भी बहुत इंजॉय कर सकते हैं आप। ये देखिए, हमें इस तरीके से इसे डिप करते हुए एक एक करके तल लेना है डाल के तेल में। तेल को जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तभी डालिएगा इसमें। देखिए दोस्तों, कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी थी दोस्तों। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को देखने के बाद वीडियो, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ये देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हम दूसरी रोटी को भी डालकर अच्छी तरीके से तल लेंगे। इसके पीसेस मैंने बड़े किए थोड़े दोस्तों। बहुत ही करारी बनी थी। मुझे तो खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि रोटी की रेसिपी इस तरीके से भी बन सकती है। ये इतनी अच्छी बनी थी। एक बार आप बची हुई रोटियों से इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप जाकर एक बार जरूर देखिएगा। और अगर कोई रेसिपी आपको पसंद आए तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, कितनी फूली फूली और कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी थी दोस्तों। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसे निकाल देंगे। ये देखने में भी बहुत अच्छी और खाने में बहुत टेस्टी थी। अब इस रेसिपी को देखने के बाद में आप बची हुई रोटियों को कभी भी फेंकेंगे नहीं। ये देखिए दोस्तों, इस पे आप चाट मसाला डालकर भी खा सकते हैं, पर मुझे कुछ चाट मसाला ज़्यादा पसंद नहीं आता है, इसलिए मैंने इसे इसी तरीके से सर्व किया है। आप इसे अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ, चाय के साथ, किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कितनी फूली फूली और करारी बनकर तैयार हुई है। हमारे पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे किसी और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।